तो यार सुबह के 5:30 हो चुके हैं, मतलब इतना तूफान आ रहा है ना यहाँ पे, कोई कह नहीं सकते। वो सामने का व्यू देखो यार, पता नहीं कैमरे में अच्छा दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं स्पेशल वो व्यू दिखाने के लिए आपको गाड़ी से उतरा हूँ बाहर। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope so आप सब बढ़िया होंगे यार, और बढ़िया ही रहना चाहिए। तो अभी यार मैं घर से निकल चुका हूँ रात को, मतलब आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सुबह मन नहीं किया यार, जब मैं कई काम गया हुआ था मैं सुबह, इसलिए ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। सुबह भी मैं पठानकोट की तरफ आया हुआ था, अब मैं फिर से जा रहा हूँ J&K जा रहा हूँ, मतलब जम्मू से भी आगे जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा सुबह लोकेशन, इस टाइम तो आएगा नहीं व्यू उधर का। बाकी हमारे साथ अभी भाई जा रहे हैं, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, ये मुझे लेने आए थे जब मैं पहलगाम के ट्रिप से आया था वापस। ये पता नहीं भाई इनको क्या हो गया, मतलब वो देखो ये कैसे जा रहा है, ये देखो मतलब उसने इसको मतलब कट मारा था अभी, पता नहीं वो कैसे यार, मतलब समझ नहीं आता इनका क्या चक्कर है, ये ऐसे क्यों निकलते हैं यार इतना इतना लोड करके सामान। इसको अभी बेचारा उधर की साइड जाने लगा था, गलत काम है यार, ये गलत काम है। बाकी बच चुके हैं, एक बच चुके हैं। तो अभी हम लखनपुर में एंटर होने लगे हैं, क्योंकि मतलब कोरोना के टाइम पे यहाँ पे चेकिंग होती थी, अब नहीं होती। अभी हम लखनपुर के टोल से नहीं जाएंगे भाई, ये आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं लखनपुर का टोल, अगर बचाना हो फिर, अगर टोल देना हो तो आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो टोल उधर से। बाकी सारा इधर से आर्मी एरिया, ये देखो सारा आर्मी एरिया इधर को है, मतलब रास्ता जो है टोल बचाने का। जब आप आओगे एक ब्रिज जाएगा, ब्रिज के नीचे से इधर को रास्ता जाता है, मतलब इधर से रोज चाहे रात को आओ चाहे सुबह आओ कोई चक्कर नहीं है। ऐसा आर्मी एरिया सारा, ये आर्मी कंटेनमेंट एरिया सारा, ये छोटा सा रास्ता होगा, किसी को भी पूछ सकते हो आप। ये देखो सारा आर्मी एरिया सामने, ये आपको मैं बताता हूँ किधर से निकलेगा। ये देखो भाई, मतलब यहाँ से सिर्फ गाड़ी के लिए ये रास्ता है, ना बस निकल सकती है यहाँ से ना ट्रक, गाड़ी बहुत मुश्किल से निकलती है, मतलब छोटी गाड़ी निकल जाती है जो सेडान टाइप है, बलैरो वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह वो नहीं इधर से निकलेगी। अगर किसी ने टोल बचाना हो तो वो इधर से आ सकता है, कोई बात नहीं है, चाहे रात का 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहे हो, क्योंकि एक तो अभी भी बज रहा है, मतलब जिस टाइम हम जा रहे हैं इधर से 1 बजे जा रहे हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब आर्मी एरिया सारा सेफ एरिया सारा। आप आओ इधर से रात को, टोल बचाओ अगर बचता है तो, कोई ज़्यादा नहीं है रास्ता, 1 किलोमीटर सिर्फ टर्न करके जाना पड़ेगा बस, बाकी आपकी मर्जी जैसे आपने आना है। ये सामने से रास्ता निकल गया, मतलब इधर से सीधा सामने वहाँ पे लड्डू वगैरह मिलते हैं, ये देखो, ये देखो ये सामने वॉशरूम है ना, उधर से रास्ता निकलता है ये, हम पीछे वाली साइड ही गाड़ी को रोक लेते हैं। तो हम अभी यार निकल चुके हैं लखनपुर से लड्डू वगैरह खा के, चाय पीनी थी, लड्डू खाने थे, बाकी चलो अब अपना पेट का सिस्टम ओके हो गया। क्यों हो गया, पेट भर गया? ओके हो गया, बाकी अब नॉन स्टॉप जाएंगे हम गाड़ी लेके, फिर जहाँ जाएंगे आपको बता दूंगा सुबह कहाँ पे जाना। भाई ये देखो BTO की लाइट तो जगाई नहीं आगे वाली लाइट जगाई नहीं। अभी यार पीछे पुलिस वाला है खड़ा था, वो हमसे ना लिफ्ट मांग रहा था, मतलब यार इस टाइम कोई लिफ्ट देने का चांस ही नहीं बनता, इस टाइम क्यों लिफ्ट देनी किसी को, रात के टाइम तो खास करके लिफ्ट देनी ही नहीं चाहिए, चाहे पुलिस वाला हो चाहे जो मर्जी हो, क्यों भाई, मतलब पूरा एकदम आगे ही आ गया, मतलब गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गया, पता नहीं शराब पी हुई थी या क्या चक्कर था, एकदम गाड़ी के आगे आ गया लिफ्ट मांग रहा, बताओ एकदम गाड़ी के आगे आके कौन लिफ्ट मांगता यार। वैसे नहीं यार किसी को भी कोई भी हो ना, रात को किसी को भी लिफ्ट ना दो, क्या पता वो पुलिस वाला था अभी या नहीं था, क्यों इस टाइम मतलब ही नहीं बनता यार गाड़ी रोकने का, बाकी अपना आराम से चलो, हम आराम से जा रहे हैं, बाकी अपने 80-90 की स्पीड पे जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं हमें, कोई मतलब जल्दी नहीं यहाँ पे पहुँचने की, सुबह 7 बजे तक पहुँचना भी बहुत टाइम पड़ा। ये फ्लाईओवर है भाई, जिसने मेरा सबसे पहला फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा उसको पता होगा, तब फ्लाईओवर ये बन रहा था सांबे वाला, अब ये देखो कितना अच्छा बन गया यार। J&K गवर्नमेंट ने तो दिल्ली खुश कर दिया, ये सारा पीछे से चलता है, ये आगे जाके चीची माता के मंदिर के पास से मतलब उतरता है ये फ्लाईओवर,
बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर है ये तैयार किया उन्होंने। मतलब ये फ्लाईओवर का एक फायदा हो गया भाई, मतलब जो नीचे जाम रहता था, ट्रैफिक वगैरह रहती थी, अब वो नहीं है सिस्टम। जिसने नीचे जाना मतलब इधर उधर जाना वो नीचे से जाए, जिसने सीधा जम्मू की तरफ जाना वो हाईवे से जाए ऊपर से फ्लाईओवर से। मतलब बहुत अच्छा सीन है यार ये। तो गाइस हम जम्मू एंटर कर चुके हैं, उधर से हम बाईपास से नहीं गए, हम जम्मू के अंदर से जाएंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा है। अभी जम्मू के अंदर जाते हैं, कुछ खाते हैं वहाँ से, तो फिर वहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। ये देखो यार ये लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं तिरंगे की। ये उन्होंने रिपब्लिक डे पे लगाई थी 26 जनवरी को, मतलब बटाला में भी लगी हुई है, जम्मू में भी लगी, सारे मतलब शायद सारे इंडिया में लगी हो, वो मुझे नहीं पता। मतलब मुझे इसका पता है कि जम्मू में लगी हुई है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है यार। तो गाइस हम अभी जम्मू बस स्टैंड के सामने हैं पेट्रोल पंप पे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा, चलो मैंने कहा स्टार्टिंग ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी सी, तो फिर यहाँ से आगे निकलेंगे 15-20 मिनट तक। यहाँ से हम मतलब लगभग हमें थोड़ी 4-5 घंटे लगेंगे यहाँ से जहाँ हमने पहुँचना है। गाड़ी हम पेट्रोल पंप पे लगाए हैं, तो हम आगे जा रहे हैं अभी थोड़ा सा घूमने। मतलब यहाँ पे तो हवा बहुत तेज़ चल रही है यार। मतलब बटाला में इतनी ठंड नहीं थी पीछे, यहाँ पे तो जैकेट देख लो, पहले जैकेट भी नहीं डाली हुई थी, अभी जैकेट की जिप बंद हो चुकी है। बाकी यार यहाँ पे जम्मू अच्छा बन गया आगे से, मतलब इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे आगे से। तो जम्मू से हम निकल गए थे, अभी हम बान टोल प्लाजा पे हैं। ये कटरे का टोल प्लाजा है, इसके बाद सीधा कटरे का मोड़ आ जाता है। अभी ये दूर से उठा लेते हैं इधर के बैरियर, और यहाँ से हम पहली टनल क्रॉस करने लगे हैं जो कटरे की पहली टनल आती है। ये टर्न है वैष्णो देवी माता जी के जाने के लिए कटरे का। ये इधर कटरा चले जाता है, इधर आगे उधमपुर श्रीनगर हाईवे है, हम लेकिन आगे जाएंगे श्रीनगर हाईवे पे। यार ये यार सुबह के 5:30 हो चुके हैं, मतलब इतना तूफान आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब कोई कह नहीं सकते। ये देखो आप ये कैसे झंडे हिल रहे हैं, मतलब ये देखो एकदम से यहाँ पे तूफान शुरू हो गया, पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये देखो कैसे झंडे ये क्या कर रहे हैं, मतलब तूफान में। ऊपर का मौसम भी साफ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ है तूफान, कैमरे में पता नहीं लग रहा लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाहर इतना तगड़ा तूफान आ रहा है ना, मतलब कोई कहने की बात नहीं है, गाड़ी एकदम हिलजुल रही है ऐसे ऐसे। बस मुझे एक ही चीज़ का डर है, लैंडस्लाइडिंग का डर है मुझे बस, कि लैंडस्लाइडिंग ना हो, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ही फंस जाएंगे। ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया आ गया, बस यहाँ से निकल जाएंगे। वो देखो कितना तेज़ तूफान है यहाँ पे, ये देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से लैंडस्लाइडिंग होती है, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, बस यहाँ से निकल जाए जल्दी जल्दी। जो मेन टर्न था लैंडस्लाइडिंग का वो हम निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे आके थोड़ा सा सही हुआ है तूफान यहाँ पे, क्योंकि बारिश पड़ी है अभी, शायद आगे स्नोफॉल भी हो रही हो जहाँ पे हम जा रहे हैं, शायद, पक्का नहीं पता। यहाँ पे बारिश हो चुकी है यहाँ पे, क्या पता आगे बारिश भी हो, बाकी देखते हैं आगे जैसा भी है। वेलकम टू चिनानी टनल, चिनानी नशरी टनल वे। वो सामने का व्यू देखो यार, पता नहीं कैमरे में अच्छा दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं स्पेशल वो व्यू दिखाने के लिए आपको गाड़ी से उतरा हूँ। बाहर तो ठंड तो वो होता है वैसे, बाकी कोई बात नहीं। चलो वो व्यू देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, वो देखो कैमरे में और मतलब आमने फेस टू फेस देखने में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन चलो जैसा भी है, आप देखो वो कितना अच्छा व्यू है सामने का। अभी हम बस अपनी लोकेशन पे पहुंचने लगे हैं जहां हमने पहुंचना है, फिर वहां से काम करके निकल जाएंगे। हमने जहां पे पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं और अपना काम भी कर लिया है हमने। अब यहां से हम निकलने लगे हैं वापस,
यार हम आते ही सो गए थे, मतलब 2-3 घंटे रेस्ट कर लिया था और काम अपना हो गया। अब बज रहे हैं 12:30 बज गए हैं दोपहर के और अब हम निकलने लगे हैं। वो देखो सामने, यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखो सामने, वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े, वो थोड़े थोड़े। बाकी हम निकल चुके हैं यहाँ से, चलते हैं ये पहाड़ का थोड़ा सा। ये लेक चेक करो कितनी अच्छी है। रात को इसकी, सुबह सुबह जब हम आए थे ना, इसकी आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, मतलब तब तूफान चल रहा था बहुत ज़्यादा। ये नीचे देखो सारा, बहुत बड़ी लेक है ये, पता नहीं श्रीनगर से चलती है उधर, वो उधर एक उधर चले जाता रास्ता, एक उधर चले जाता रास्ता श्रीनगर की तरफ। नीचे जाने का रास्ता है लेकिन बहुत कम लोग जाते होंगे नीचे। वो बंदा गया हुआ नीचे, वो देखो आपको दिखेगा नहीं, रुको एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ, वो बंदा है नीचे, इधर से दिख नहीं रहा भाई। मैं रात को इनसे डर रहा था, ये जो पत्थर है ना ऊपर छोटे छोटे, देखो इन पत्थरों से मैं डर रहा था रात को जब तूफान आ रहा था कि ये नीचे ना आ जाए पत्थर। ये देखो कैसे पत्थर पहाड़ के साथ है, वो देखो सामने बिल्कुल पहाड़ के साथ ही चिपटे हुए हैं। भाई हम वापस निकल चुके हैं घर को और ये देखो ट्रकों का कितना जाम लगा हुआ है। ये कानवाई जा रही है ना, पहले रात को हम कटरे वाले रास्ते से आए थे, अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। ये सांबे वाला रास्ता, मानसर लेक वाला। ये देखो ट्रकों का जाम कितना है, ये कानवाई जा रही है श्रीनगर। कई ट्रक इसमें से ले जाएंगे, कई श्रीनगर जाएंगे, कई श्रीनगर के पीछे रह जाएंगे, कई शोपियाँ जाएंगे, सारे अलग अलग ट्रक जाएंगे सभी जगह पर। मतलब आप खुद ही देख लो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। हम मानसर के पास आके यार जाम में फंस चुके हैं। आपको बताया था कि कानवाई आ रही है उधर से, अभी ये देखो कानवाई कितनी, मतलब पता नहीं यार कितने ट्रक है आगे, 400 से 500 ट्रक तो आगे निकल चुका है, अभी ये पता नहीं और कितने हैं पीछे। इधर 4 दिन की कानवाई नहीं छोड़ी इधर से। अंशु भाई आज तो बुरा फंस गए हम तो जाम में। जो ये लोग होते हैं ना, जो बीच में जाने वाले लोग होते हैं, यही जाम लगवाते हैं सारा। जैसे एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन में नहीं जाएंगे, दो दो लाइनें बनाएंगे, दो दो लाइनें बनाई हुई उन्होंने। छाड़ता सोच। तो गाइज फाइनली मैं बटाला पहुंच चुका हूं, अभी पहुंचा हूं, जस्ट 5:30 बजे पहुंचा हूं यहां पे। और हम देख रहे थे कि कितनी ड्राइविंग की हमने, कल 11:30 बजे रात को निकले थे और अभी 5:30 हो चुके हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लो, 16-17 घंटे हम नॉन स्टॉप ड्राइविंग में रहे बस। बाकी यार आपको आंखों से पता लग ही रहा होगा कितनी थकावट हो चुकी है, अभी घर जाके रेस्ट करेंगे। बाकी यार व्लॉग में कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और बाकी मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय और बाय।